गारू मार्केट है, बस स्पेलिंग का फर्क है, दारू नहीं तो हो जाता। ये लैंग्वेज का एक अक्षर का लैंग्वेज का फर्क है गारू। और जो आप लोगों को दिखाएंगे जो आगे वीडियो में देखिए आगे में है वो जगह आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए मार्केट पार कर रहे हैं। हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों का स्वागत है नए ब्लॉग में। और मैं आप लोगों को आज मैं बहुत एक चमत्कारी चीज़ दिखाना चाहता हूं। आप लोग कभी देखे नहीं होंगे, यहां के लोग देखे होंगे लेकिन दूसरे जगह के लोग नहीं देखे होंगे। जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं आप लोग देखिएगा और गिनती भी कीजिएगा, क्योंकि मैं भी पहले देखता था लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है। लेकिन जब मुझे किसी से पता चला कि मैं खुद ध्यान से देखा तब मुझे पता चला कि ये क्या है। आप लोगों को भी चलिए दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए ये गारू मार्केट है, बस स्पेलिंग का फर्क है, दारू नहीं तो हो जाता। ये लैंग्वेज का एक अक्षर का लैंग्वेज का फर्क है गारू। और जो आप लोगों को दिखाएंगे जो आगे वीडियो में देखिए आगे में है वो जगह आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए मार्केट पार कर रहे हैं। पहले तो मैं ये भी सोचता था कि गारू कि दारू, तो जब लिखा हुआ देखा ना तो गारू समझ में आया कि गारू है ना। सभी लोग बोलते थे दारू दारू दारू, तो मुझे दारू ही समझ में आता था। चलो दारू होगा, पीने वाला का शराब के नाम है तो क्या है, होगा दारू को तो शराब को तो दारू ही बोलते हैं और क्या, इसलिए मैं सोचता था। लेकिन मुझे नहीं पता था जगह का नाम है। यहाँ पर हमारे गांव वाला कोई बात करता था गांव घर में तो मुझे ऐसा लगता था। अब वीडियो में बना रही यहाँ गारू के आसपास में CRPF कैंप भी है, इसी के बगल में ही CRPF कैंप है। और इसको पार कर लेते हैं, आपको आगे जाके दिखाएंगे। गाइस देखिए हैंडल तो छोड़ दिए हैं, दोनों हैंडल छोड़ दिए रे बब्बा, गिर जाएंगे अपन तो। नदी, ये है नदी, नदी नदी तो आप लोगों को समझ में आता हो गया, कुछ कुछ आप लोग समझ रहे हैं हम क्या दिखाने वाले हैं आप लोगों को। ये आप लोग ठीक समझ रहे हैं आप लोग क्या मैं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसमें पार हो रहा हूँ इसके ऊपर से, लेकिन इसका नीचे का पोजीशन मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। आप लोग देखिए आगे में है, बस थोड़ी सी आगे में है, आप लोग देखिएगा। ये पहले रोड बहुत ख़राब था, अभी जो अच्छा हो गया। आपको ये जगह देखना हो ना जो मैं दिखाऊँगा अभी, उधर अब आपको लोकेशन में जाना माना जगह नेतरहाट है, उसी रूट में है ये जगह। और उसके आगे पीछे बोला जाए महुआ डांड और छिपादोहर और नेतरहाट तो रोड में है यही, इसी में। और आपको बहुत नज़ारा मिल जाएगा, नेतरहाट का तो जाना माना यूट्यूब पे जगह है, वही लोकेशन पे मैं दिखाऊंगा। ये उसी रोड पे मैं जा रहा हूँ और आप लोगों को चलिए अभी शुरुआत करते हैं। यहाँ पर से आगे से है, आ गया दोस्तों, यही बोल रहे थे आपको। ये क्या लग रहा है, ये पुलिया है, अंडरग्राउंड पुलिया। ए, पानी भींग गया रही। ये आपको छलकी इसको बोलते हैं, इसको छलकी है, ये छलकी बोलते हैं, अद्भुत है। एक ही नदी घुमा फिरा के बहुत सारा छलकी के मतलब एक ही जगह में किया हुआ, देखिए यही वाला नदी यहाँ पर भी है, अद्भुत मानना पड़ेगा। वही नदी है, ये अलग नहीं है, ये वही नदी है। देखिए ये दो हुआ, इतना जो आपको दिखाते हैं। ये देखिए तो आगे बाइक से हम चल चल के बना रहे हैं ब्लॉग। ये तीन हुआ,
दस लोग चरा रहे हैं चाचा जी, इनको आप लोग क्या बोलते होंगे नहीं पता, हम लोग चरवाहा बोलते हैं, भैंस चरवाहा। गाय चरा रहा तो गाय चरवाहा, भैंस चरा रहा तो भैंस चरवाहा। ए देखिए औरत तो आ गया, ये हुआ चार नंबर छलकी। बाई चांस ही कहीं पर कोई दुनिया में होगा इस तरह का, होगा लेकिन कम होगा। हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं होगा, कम होगा। ये है पांच नंबर छलकी, समझे। मेरा गाड़ी बंद हो गया था तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। पांच हो गया, यहाँ पर पांचवा नंबर पार किए हैं, समझे ना। और आगे में देखते हैं और कितना का। आज ही मैं वीडियो ब्लॉग ही बनाने समय ही गिनती कर रहा हूँ, वरना ये रास्ते में ज़्यादा मेरा लाइफ में, मेरा ख्याल से रास्ता में यहाँ पांच नहीं, पांच से दस बार आना जाना किया होगा बस। ये देखिए छठा सिक्स नंबर में है ये छलकी का नदी। पानी मेरे जूतों में भींग जाएगा, इसीलिए मैं धीरे चल रहा हूँ। और आगे देखते हैं है कि नहीं। देखिए आप लोगों को कुछ नया देखने के लिए मिला होगा, हमको लगता है। ये आप लोग गिनती कीजिए कितना हुआ। ये मेरा ख्याल से सात नंबर पे है, सेवन। और आगे में चलते हैं, और होना चाहिए क्योंकि मेरा अंदाज से लग रहा है और होना चाहिए। मैं गिनती तो किया नहीं हूँ, मैं सोचा कि मैं वीडियो बना लूँ। मैं जब मैं पार हो जाता था सबको, तब मैं सोचता था गिनती नहीं किया, पछतावा होता था। ये देखिए आ गया ना, ये आठ नंबर है। आप लोग गिनती करते रहिएगा छलकी। आगे में नहीं। भैया इसको कौन गिनती करेगा, ये आप लोग गिनती की बताइए कितना हुआ। नौ हुआ है ये। माफ कीजिएगा दोस्तों, मेरा सर्दी हो गया है, बारिश में भींग गए थे गाड़ी चलाते समय, इसीलिए थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए सॉरी। ये देखो भाई, मैं तो गिनती भूल गया, कितना शायद दस, हाँ शायद दस। आप लोग कमेंट में बताइएगा कितना हुआ है। और दोस्तों लगता है नहीं है, खत्म हो गया, दस ही तो था। आप लोगों को देखिए मैंने दिखाया आप लोगों को, दस ही तो और नहीं है लगता है, क्योंकि अब सूखा सूखा इधर नजर आ रहा रोड। हाँ खत्म हो गया। चलिए आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा कमेंट में, और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऐसे ही नए नए वीडियो लाता रहूँगा। मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, बाय। ये देखिए दोस्तों, ये 11वां नंबर छलकी है। अभी थोड़ा अंधेरा हो गया है इसीलिए मैं रुक कर बना रहा हूँ। ये 11वां नंबर है, इसके आगे नहीं है, और मैं सोचा कि बना देता हूँ। ये 11 है, इसको क्यों छोड़ूंगा, नहीं तो कोई भी आकर गिनती करेगा तो बोलेगा वीडियो में कम था। ये झरना छलकी, चलिए पार होते हैं। देखिए फिर से भैंस वाला आ गया। अंधेरा हो गया, देखिए पहले का दिन में था, अभी देखिए अंधेरा। नहीं तो आप लोग बोलिएगा कि जाते जाते ये थोड़ा दूरी में है, मिनिमम 1.5 किलोमीटर दूरी में है, तो मैं पीछे में एक दुकान में मैं रुक गया था, इसीलिए देरी हो गया।
देख लो भाई, मेरे से मिस्टेक पे मिस्टेक हुए जा रहा है। मुझे पता ही नहीं था कितना छल की है। मैं 10 नंबर करके बंद कर दिया था वीडियो को, रोक दिया था। फिर 11वां नंबर दिखा छल की तो वहाँ पर चालू किया। 12वां नंबर छल की, इसमें ऊपर में पानी नहीं जा रहा है, इसके अंदर अंदर से जा रहा है। देखिए इसके अंदर अंदर से जा रहा है पानी। 12वां नंबर छल की है। अब आगे है कि नहीं भगवान जाने।